कि मतलब आपको अगर वायरलेस होता तो वहाँ से लोग बता देते कि यहाँ से आगे चल के आप काम कर सकते हैं, वो सब नहीं बताया जाता है। नहीं बताया जाता, भले आपकी जान चली जाए, भले हमारा जान चला जाए, लेकिन सरकार दिया है, यंत्र दिया है कि डिजिटल युग से लाखों की जान बच सकती है। भैया इनकी जान कौन बचाएगा, आप बताइए। आपने तो कह दिया कि डिजिटल युग हो गया है, आप देख सकते हैं अब इतना टाइम लगेगा आपको खोलने में, पता चलेगा कि ट्रेन आके चली जाएगी क्या। मान लीजिए हम घूमते घूमते जा रहे हैं, अगर नज़र पड़ गई पटरी चटका हुआ है, इसी पटाखे से हम ट्रेन रोकने की कोशिश करेंगे। अब भाई दबे ना काम किया तो काम करेगा, करेंगे। अच्छा, उसी के लिए है तो उसको खबर हो जाएगा, ड्राइवर को खबर हो जाएगा। हाँ लोग कहते हैं कि रेलवे की ज़िंदगी बड़ा खूबसूरत ज़िंदगी होती है, जो रेलवे में नौकरी करता है बड़ा उसकी ज़िंदगी खूबसूरती से करती होगी। भैया आज मैं दिखाता हूँ आपको कि कैसे रेलवे वाले नौकरी करते हैं। कहना तो बहुत आसान है, हम इस वक्त खड़े हैं, बता दूँ आपको कि ये बलिया और बलिया के बीच में मतलब शाहबाज कुली है। हम लेके जाइए, आप आइए, कोई दिक्कत नहीं होगा। शाहबाज कुली के बीच में हम खड़े हैं, शाहबाज कुली यहाँ से मात्र 500 मीटर पे है। भैया मैं बता दूँ कि ये देख रहे हैं नया ट्रैक बिछ रहा है, नया ट्रैक इधर से देख सकते हैं, अभी नया ट्रैक है लेकिन गंदगी बहुत काफ़ी है। यहाँ के लोगों को कहा जाए या किसको कहा जाए, और यहाँ मैंने देखा सफाई कर्मी ग्रुप डी का, जो पहले बाप नौकरी करता था, आज बाप की जगह पर बेटा नौकरी कर रहा है। अब वजह है भैया कि नौकरी तो कर रहे हैं लेकिन नौकरी के जैसे लोग कहते हैं कि सब सारी व्यवस्था उपलब्ध है। मैं उनसे मिलवाऊंगा कि कौन है कि बिन चप्पल का बिन ऐसे धूप में काम कर रहा है, कैसे काम कर रहा है, ट्रैकमैन की ज़िंदगी होती क्या है, कैसे है। आप देख सकते हैं बड़ा अजीब है, इधर से बलिया को सीधा आप देख सकते हैं। और इसके पहले रेल राज्य मंत्री हमारे मनोज सिन्हा जी थे, ये बलिया को जोड़ती है। इधर से आप अगर जाएंगे तो सीधे बनारस के लिए चले जाएंगे, मतलब बनारस और बलिया छपरा, लोग कहते हैं छपरा। एक गाना गाया था कि मुंबई में रह जाएंगे छपरा लवट के ना आएंगे, लेकिन छपरा काहे नहीं आएंगे, आएंगे। तो आप देख सकते हैं इधर से आ रहे हैं सफाई कर्मी महोदय जी, मैं उनसे बात करूंगा कि ये कैसे, आप देख रहे हैं अभी ये हाले में इसको छुड़ा रहे थे, ये जिन है यही सब है, क्या लाइफ है, देख रहे हैं कैसे कैसे मतलब ट्रैक मैन पे काम किया जाता है, किस तरह से है। गाड़ी आती है तो गाड़ी को रोक दिया जाता है, इधर से देख सकते हैं अभी हाले नया बना है, पहले नहीं था। लाइन मैन का मतलब लाइन से चलने वाली व्यवस्था पहले नहीं था, अब हमारे बीच में देख रहे हैं इधर बहुत तमाम मतलब है, यही है रेलवे की व्यवस्था। इधर से पटरियां आप देख सकते हैं कितनी पटरियां पुरानी हो चुकी है, इसको बदलने का भी हो सके तो व्यवस्था चल रहा हो, चूँकि धीरे धीरे ख़त्म हो गया। इधर से आप देख सकते हैं भैया काम कर रहे हैं, देख सकते हैं इनके पाँव में सूज नहीं है, और ये अपना निरंतर कड़ी धूप में मेहनत करते हैं। लोग कहते हैं भैया क्या कर रहे हैं आप, कलम थोड़ा ढीला हो गया, इसको टाइट कर रहे हैं। अरे कलम ढीला हो गया है, हथियार तो बहुत लंबा है आपका, तो ये अरे बाप रे, ये तो काम ही नहीं कर रहा है। नहीं काम करेगा, ढीला था। अच्छा काम करेगा, हाँ। तो कब से कब तक काम करते रहते हैं आप, देख रहे हैं भैया इनकी ज़िंदगी है। दिन भर में 8 घंटा ड्यूटी करते हैं। कई बजे आ जाते हैं ड्यूटी पे आप? सुबह 6 बजे आ जाता हूँ, उसके बाद 11 बजे तक कार्य करता हूँ। आप नज़दीक से दिखाएंगे थोड़ा सा ये पटरी को, मतलब बेचारे अगर ये ऐसा ढील होता तो पटरी घसक सकती है ना। हाँ है, इसका सपोर्ट दिया गया है, बाकी इस पर वेल्डिंग किया गया है। हाँ, ताकि रेल कभी भी टूट सकती है। अच्छा, ताकि सपोर्ट देकर बांधा गया है कि कोई दुर्घटना ना हो सके। अच्छा, तो इसको आप कस देंगे तो और टाइट हो जाएगा। हाँ। ना आप देख रहे हैं भैया 6 बजे से ड्यूटी पे हैं,
छः बजे से आठ घंटे की इनकी ड्यूटी है। बताइए, छः बजे लोग अभी सभी लोग जगते हैं, अरे तब तक आ जाते हैं रेलवे ट्रैक पे, आके अपना कार्यभार मतलब करने लगते हैं। ये अंदर देख सकते हैं, ये तमाम हथियार से लैस हैं, इनका जो भी का लोग दिए होंगे इन लोग को जैसे आता होगा हथियार से लैस हैं। लेकिन भैया सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि अब तक कोई प्रमोशन नाम का कोई चीज़ नहीं है। लोग कहते हैं कि चलिए भैया पढ़ाई में भी लोग करते हैं, पढ़ते भी हैं, तो हाई स्कूल के बाद इंटर होता है, लेकिन इन लोग में बता रहे हैं भैया कि कोई प्रोग्रेस नहीं है। भैया कहाँ से हैं आप? मैं वाराणसी मंडल से पोस्टेड शाहबाज कुली में हूँ। अच्छा, वाराणसी, क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा सदा ब्रिज भारती। सदा ब्रिज भारती जी हैं, और सदा ब्रिज भारती जी ऐसे कड़ाके में ही रहते हैं आप, धूप तो बहुत काफ़ी है। धूप हो या गर्मी हो, चाहे बरसात हो या ठंडा हो, इसी तरह ड्यूटी करते हैं। अरे आप लोग कहते नहीं हैं कि आपके सीनियर कहते नहीं हैं कि आपको प्रमोशन कर दिया जाएगा? नहीं नहीं, ऐसे ही करेंगे पूरा जिंदगी भर, प्रमोशन का कोई नाम ही नहीं है। अच्छा, ऐसा क्यों? जिंदगी इसी में है, बिताना है, कोई सुनने वाला। सैलरी वगैरह टाइम से मिल जाता है? हाँ, सैलरी तो टाइम से मिल जाता है। क्या होता है कि प्रमोशन नहीं करेंगे? नहीं, प्रमोशन ऐसे ही कड़ाके, चाहे धूप हो, चाहे छांव हो, चाहे खूब ठंड हो, आप करते रहें, ड्यूटी करना ही करना है। हाँ, कोई बहाना नहीं चलने वाला है। क्या क्या हथियार आपको दिया गया है, कैसे कैसे हथियार हैं आपके पास? ये रिंच है। हाँ, ये जो हैमर बोला जाता है इसे। अरे इसे तो गांव में हथौड़ा लोग कहते हैं। हम लोग हैमर बोलते हैं। अच्छा, इससे मतलब आप ठोकते रहते हैं किसी चीज को? हाँ, अगर गाड़ी, अभी आप काम कर रहे हैं, अचानक गाड़ी आ जाती है तो क्या करेंगे आप? ये आपको बताएगी कि मैं आ रहा हूँ? नहीं नहीं, बताएगी नहीं, मैं सतर्कता पूर्वक कार्य भी करूँगा गाड़ी को देखते हुए अपना। अचानक कभी कभी ऐसा नहीं होता है कि गाड़ी आ गई आप लोग को खबर ना हो? वो तो खबर कोई नहीं करेगा। हाँ, जैसे हम कार्य कर रहे हैं। जैसे सरकार कुछ आपको वायरलेस नहीं दी है? कुछ नहीं दी है भैया, देख लीजिए, अचानक अगर गाड़ी आ जाती है तो भैया की मृत्यु भी हो सकती है। आप देख सकते हैं हथियार से लैस हैं, लेकिन कह रहे हैं मोदी जी की डिजिटल इंडिया हो गया है, देख सकते हैं डिजिटल इंडिया तो हो गया है श्रीमान जी, लेकिन इनके पास कहाँ डिजिटल का एक भी यंत्र नहीं है जिससे अपने जीवन को बचा सकेंगे। अच्छा, अगर अचानक यूं ही गाड़ी आ जाती है तो ये मृत्यु के शिकार बन सकते हैं। क्या हादसा हो सकती है कि नहीं हो सकती है? हो सकती है। अगर बाई दबे, मान लीजिए कि काम करते करते, सभी लोग जानते हैं कि अगर काम करते करते बाई दबे दिमाग काम ना करे, ऐसे ही धूप में आप लैस हैं, है कि नहीं? बिन खाए पिए 6 बजे कौन सा भोजन मिलेगा? सुबह मॉर्निंग में उठते हैं 6 बजे, सीधे ट्रैक पे आते हैं। कब खाना वाना खाते हैं आप? खाना खाते हैं 11 बजे के बाद ही खाते। तो सरकारी मिलता है कि घर पे जाके? अपना पकाया हुआ बन। अच्छा, सरकारी नहीं मिलता है। पानी वानी का व्यवस्था कैसे होता है? पानी वानी वही कहीं ठहरते हैं तो पानी पीते हैं। अभी कितना दूर तय करना होता है, कितना दूरी तय कर लेते हैं आप? 4 किलोमीटर जाना और 4 किलोमीटर आना। अच्छा, मतलब डेली लोग बता देते हैं? डेली जाना पड़ता है, 4 किलोमीटर जाना, 4 किलोमीटर आना। उसी में कार्य करते हुए जाएंगे, कार्य करते हुए आएंगे। रेल के पटरी पे ही रहेंगे आप, बाहर नहीं जा सकते हैं ना? नहीं, बाहर कोई। भैया देख लीजिए, मैं वही कहा, डिजिटल इंडिया तो हो गया, बाई दबे इनके साथ घटना, इनके बीवी बच्चों को कौन देखेगा? आप प्रमोशन करेंगे नहीं, और ना ही प्रमोशन करने वाले यहाँ के शासन प्रशासन, ना ही रेलवे के किसी भी अधिकारी को ये खबर है कि इन लोगों की जिंदगी क्या होती है आगे। मतलब आप जो ये सब हथियार लिए हैं कैसे, मतलब कभी कभी लोग बताते हैं कि आप लोग ट्रेन को भी रोक देते हैं, तो कैसे रोक देते हैं आप लोग? ट्रेन रोकने के लिए क्या है, उपकरण है हमारे पास? अच्छा, क्या है, जैसे किस तरह से है? देख सकते हैं आप, इनके पास कुछ हथियार हैं, NERBSB, आप समझ सकते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे। अच्छा, नॉर्थ ईस्ट रेलवे, बनारस, यहाँ पे लिखा हुआ है BSP डिवीज़न। हाँ, BSP डिवीज़न बनारस मंडल से नियुक्त किए गए हैं। भैया के पास देख सकते हैं हथियार तमाम है, लेकिन वो हथियार नहीं है जो डिजिटल लोग बताते हैं, तो कैसे रोक लेते हैं कि मतलब अगर अभी मान लीजिए कि अभी इधर तो देख सकते हैं लाइटें, रेड लाइट मतलब जल रहा है, तो लग रहा है कि गाड़ी नहीं आएगी। अगर रेड लाइट ना होती, कहीं कहीं तो ऐसा भी है कि खंभा इस तरह का नहीं है, है? जी नहीं है। तो वहाँ पे क्या करते, कैसे आपको मालूम होता होगा कि नहीं अब ट्रेन आने वाली है?
इसी तरह सर देखते हुए जाते हैं, आगे पीछे दोनों साइड देखते हुए जाते हैं, काम करते हुए। अब तक कोई डिजिटल मतलब व्यवस्था आपके लिए नहीं किया गया? कुछ नहीं मिला कि जिससे आपको जैसे रेलवे स्टेशन से चाहे स्टेशन स्टेशन आपको खबर कर दिया जाए कि आप काम कर रहे हैं। ये तो खबर होगा ना कि आप इतने कितने भी रेंज में आए, ये तो खबर अधिकारियों को होगा ना कि आप यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो ये क्यों नहीं करते हैं कि मतलब आपको अगर वायरलेस होता तो वहाँ से लोग बता देते कि यहाँ से आगे चल के आप काम कर सकते हैं? वो सब नहीं बताया जाता, नहीं बताया जाता, भले आपकी जान चली जाए, भले हमारा जान चला जाए, लेकिन सरकार दिया है, यंत्र दिया है कि आपका आप ट्रेन का सुरक्षा करें, ट्रेन की सुरक्षा करें, अपनी सुरक्षा ना करें, अपनी सुरक्षा ना करें। देख लीजिए भैया कितनी दयनीय स्थिति है कि ट्रेन की सुरक्षा कर सकते हैं, हमारी जान भले ही जाए, हमारी जान जान थोड़ी होती है, एक कर्मचारी हैं, फोर्थ क्लास के कर्मचारी हैं, आप देख सकते हैं, तो कैसे ट्रेन को रोक देते हैं? जैसे अब मान लीजिए कोई दुर्घटना होती है या दुर्घटना होने वाली होती है तो आप कैसे ट्रेन को रोक सकते हैं? आप देख सकते हैं इनके पास तमाम यंत्र हैं, लेकिन यंत्र पुराने जमाने वाला है, हम कुछ कह नहीं सकते हैं कि इससे मतलब रुक भी जाएगा, रुक नहीं सकता है। आप तमाम तरह के हैं, लेकिन डिजिटल युग कह देना बड़ा आसान है, लोग ने कह दिया, हमारे प्रधानमंत्री जी भी कह दिए कि डिजिटल युग हो गया है, डिजिटल युग से लाखों की जान बच सकती है। भैया इनकी जान कौन बचाएगा, आप बताइए, आपने तो कह दिया कि डिजिटल युग हो गया है। आप देख सकते हैं अब इतना टाइम लगेगा आपको खोलने में, पता चलेगा कि ट्रेन आके चली जाएगी क्या? आप देख रहे हैं ये सब क्या है, थोड़ा सा नजदीक से आप दिखाएंगे। ये सर पटाखा है। अरे ये पटाखा है। हाँ मान लीजिए, यहाँ दिखाइए भैया थोड़ा। मान लीजिए हम घूमते घूमते जा रहे हैं, अगर नजर पड़ गई पटरी चटका हुआ है, इसी पटाखे से हम ट्रेन रोकने की कोशिश करेंगे। हाँ अब आई दबे ना काम किया तो काम करेगा, करेंगे। अच्छा अच्छा, उसी के लिए है तो उसको खबर हो जाएगा, ड्राइवर को खबर हो जाएगा। हाँ ड्राइवर पटाखा फूटेगा ना। अच्छा ड्राइवर में बहुत तेज आवाज़ करता है क्या? हाँ। अच्छा कोई तो नुकसान नहीं करेगा, धमाका करता है, ड्राइवर को संकेत मिल जाएगा। अच्छा कि घटना होने वाली है। देख लीजिए यही है, आप देख रहे हैं सब है, हथियार से लाए से बेचारे। जूता उता नहीं मिला है आपको? मिला है सर, थोड़ा बारिश का मौसम है ना। अच्छा अच्छा, ड्रेस यही रहता है कि चेंज वेंज करते हैं? ड्रेस यही रहता है। सर पे टोपी ओपी नहीं देते हैं लोग? गमछा घर से बांधते होंगे, टोपी नहीं देते हैं? नहीं। भले ही आप धूप में जल जाए, उससे मतलब नहीं है, भले मर जाए चाहे कुछ भी हो जाए, धूप आके अपनी आपकी जान ले ले कोई दिक्कत नहीं है। बताइए भैया कितनी, चलिए आज मैं आपको दिखाया यही है रेलवे की कहानी। भैया लोग कहते हैं कि रेलवे विभाग सबसे बढ़िया विभाग है, अब तो देख लीजिए 4 लेंथ होने वाला है इसमें, मतलब ना भैया क्या मतलब डबल लाइन होने वाला है, डबल लाइन होने वाला है। तो इसमें क्या है आप साफ कर रहे थे इधर? बड़ी 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 झाड़ी साफ कर रहे थे। क्या है कैसे मतलब ये झाड़ियों में क्या है? अभी हाथ में आपको कुछ वो नहीं दिया है ग्लास हाथ में लगाने के लिए? लिए हैं। किस तरह का ग्लास है? एक ही हाथ में लगाते हैं? दोनों हाथ में लगाते। अच्छा दोनों हाथ में लगाते हैं, इससे लगा के आप काम करते हैं? देख लीजिए यही है अब तक ये, मतलब लोग कहते हैं कि फोर्थ क्लास यही है। इधर से आप देख रहे हैं इधर तमाम गंदगी भी है, किसको हम क्या कहें, इधर से लोग तमाम आए दिन, इधर से आप देख सकते हैं इधर भी है ऐसे, रेलवे ट्रैक बन रहा है नया वाला, इधर से आप देख रहे हैं रुका हुआ है, उधर से दिखा सकते हैं आप भैया, वहाँ से देख सकते, वहाँ पे लगा भी नहीं है, वो तो लाल पूरा दिखाई नहीं दे रहा है सर। कौन सा? वो जैसे लाल होता है पूरा लाल हो जाता है, रेड हो जाता है, ऐसा क्यों कि रेड नहीं दिखाई दे रहा है? सिग्नल वाला, ये वाला जो त्री पटरी लगा हुआ है आगे, बाइक साइड है उधर। अच्छा 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 अच्छा, उधर से दिखाई देता है। चलिए भैया आज मैं रहा शहबाज कुली, लेकिन भैया ऐसे लोगों को बढ़ाने की आवश्यकता, हमारे देश में लोग कहते हैं कि मजदूर अगर नहीं रहे तो मजबूर ही मजदूर है, आज सच्चाई है कि जो मजबूर है वही मजदूर है। तो आज के लिए बस इतना ही, आप बने रहे मेरे वीडियो के साथ, मैं हूँ आपका अपना जितेंद्र दिव्यांग और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जोश एक्सप्रेस। नमस्कार दोस्तों, अच्छा लगा हो क्या? ठीक है ना, कई दिन से आपसे बात हो नहीं पाती थी ना।